आत्मिक शांति, स्वेट मॉडल की पुस्तक, सफलता की कुंजी, अपने को पहचानने का अगला नियम, आत्मिक शांति। आपने देखा होगा अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने वाला, पौष्टिक पदार्थों को उपयोग में लाने वाला दुबला पतला और स्वास्थ्यहीन रह जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा में शांति नहीं है। उसके विपरीत मजदूरी करने वाला नमक और सूखी रोटी खाकर तगड़ा हट्टा कट्टा ही होता है, क्योंकि उसकी आत्मा में सुख है। सुख शांति के साथ खाया रोका सूखा भी तन को लगता है, जबकि ऐसा न होने पर पौष्टिक पदार्थ से भी स्वास्थ्य नहीं बनता। मुख्य बात सुख संतोष की है। जिस मनुष्य को थोड़ा सा भी सुख संतोष है वह सुखी है। टॉलस्टॉय की कहानी में उसी बात को कहा गया है। वह जमींदार के यहाँ एक भूमिहीन किसान काम करता था। वह खेतिहर मजदूर था, इसी से वह बड़ा सुखी था। अकस्मात एक दिन उसकी मालकिन जमीन बेचने लगी। उसने इधर उधर भाग दौड़ कर कर्ज लिया, जमीन मोल ले ली। बस उसी दिन से उसकी कठिनाइयां शुरू हो गई। रात दिन उसको यही चिंता सताने लगी, जमीन में पैदावार कैसे की जाए, जमीन को कैसे बढ़ाया जाए। उसे बराबर यही चिंता सताने लगी, अधिक धन हो तो काम चले। इसके लिए उसने नाना प्रकार के चिंतन शुरू कर दिए और इसी से वह चल बसा। अपने लालसाओं के पीछे अपना सुखमय जीवन बर्बाद कर लिया। हमारा आशय यह नहीं है कि आप प्रगति न करें, प्रगति अवश्य करें, पर वर्तमान में जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए आप दुखी न हो, उस पर अप्रसन्न न हो, वरन जो कुछ है उस पर ही सुख का अनुभव कर आगे की योजना बनाएं। अपने वर्तमान पर अप्रसन्न होकर इस पर दुख प्रकट कर प्रगति करना खतरनाक है। इसको ही देहाती कहावत के रूप में हाय हाय करना कहा गया है। अतएव वर्तमान पर पूर्ण संतोष के साथ आप योजना बनाएं। यह एक कटु सत्य है कि भौतिक पदार्थ सुख के साधन नहीं है, इनमें जीवन की वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। थोड़ी देर के लिए भले ही उससे सुख मिल जाए, पर आत्मिक सुख कहाँ है? प्रसन्नता एक आत्मिक वस्तु है। जब तक आत्मा प्रसन्न न होगी आप में स्फूर्ति नहीं आएगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा न मिलेगी। भौतिक पदार्थों पर ध्यान कम से कम केंद्रित करें, खाने पहनने भोग विलास पर कम ध्यान दें। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेते हैं और संकल्प करते हैं कि मैं सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा या अमुक कार्य करके रहूँगा, तब आप अपने वर्तमान भौतिक सुखों पर अप्रसन्न रहें, दुख प्रकट करें। यह कैसे संभव है? सुख जिसमें आत्मा को संतोष मिलता है जीवन के उच्च आदर्शों में है। सुख जिसमें आत्मा को संतोष मिलता है जीवन के उच्च आदर्शों में है। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, लोभ लालच, स्वार्थ से तो सुख को तो दूर भाग जाता है। ईमानदारी की बात तो यह है कि इस संसार में आधे से ज्यादा लोग ईर्ष्या के कारण दुखी हैं। एक परिवार अपने सीमित आमदनी में गुजारा कर रहा है, अकस्मात बहुत सा धन आ गया, सबका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा परिवार में, सभी सदस्य ईर्ष्यालु हो जाएंगे, उनके मन में औरों के प्रति घृणा ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इसी प्रगति के मार्ग पर सामयिक संतुलन आवश्यक है। वर्तमान से संतुष्ट होकर ही अपना भविष्य बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। वर्तमान में असंतोष आपके मार्ग में बाधा बन सकता है। अपने अंतकरण की शक्तियों को पहचानने के बाद योजना बनाएं, उस पर अमल करें। योजना बनाते समय अपने वर्तमान स्थिति का ध्यान रखें। मिल्टन ने यदि अपने वर्तमान पर सोचा होता तो शायद 37 वर्ष तक अनपढ़ रहने के बाद वह कुछ नहीं कर पाता। उसका वर्तमान यह था कि वह अनपढ़ है। अगर वह इस बात को सोचता कि मैं तो वकील भी नहीं बन सकता, अनपढ़ हूँ, पर उसे अपने वर्तमान पर न तो गर्व था
और न ही अपने अनपढ़ होने का दुख। उसने ABCD शुरू कर दी और मात्र कुछ वर्षों के बाद न्यायाधीश बन गया। बनते बनते वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया। सचमुच अपने अंतरात्मा में निहित शक्ति को पहचान लेने के बाद हमें अपने मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो जिसने अपना मुख दर्पण में न देखा हो। दर्पण से मनुष्य का रिश्ता प्रायः बराबर बना रहता है। तो दोस्तों, ये था आत्मिक सुख, वो यहीं समाप्त होता है।